अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेटा ट्रांसमिशन का, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स की ट्रांसमिशन देखी थी, पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में हमने देखा था कि स्ट्रीम ऑफ डेटा हर क्लॉक टिक पर ट्रांसमिट होता था, और सीरियल में हमने देखा सिंगल बिट ऑफ डेटा हर क्लॉक पर ट्रांसमिट होती थी। ठीक है, तो हमने इसके साथ बात करते करते हमने देखा था कि सीरियल की फर्दर तीन टाइप्स हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। तो आज हम पहली टाइप यानी असिंक्रोनस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि टाइमिंग ऑफ सिग्नल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसमें टाइमिंग को हम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और ट्रांसलेट होती है, ठीक है, वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक एग्रीड अपॉन पैटर्न पर होती है। यानी सेंडर और रिसीवर कहते हैं, मैं इस तरह तुम्हें डिटेल डेटा भेजूंगा, सेंडर और रिसीवर आपस में इस बात पर एग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद डेटा की ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस एग्री अपॉन सर्टन पैटर्न, यानी वो एक किस्म का पैटर्न पर एग्री करते हैं कि हम इस तरह के से डेटा भेजेंगे, और इस तरह के पैटर्न को अमूमन हम एक किस्म का एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया कि हम इस तरह डेटा भेजेंगे, तो वो कहता है अच्छा ठीक है इस तरह भेजना, लेकिन इसमें कोई हमें जो टाइमिंग सिग्नल टाइमिंग का कोई फैक्टर है उस पर कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो इसके दरमियान मैं आप लोगों को बताता रहूँ, जब तक वो जो पैटर्न या जो एग्रीमेंट दोनों डिवाइसेज के दरमियान होता है, ठीक है, अगर उसको जब तक फॉलो होता रहे तो दोनों डिवाइसेज के लिए कोई प्रॉब्लम, स्पेशली रिसीविंग डिवाइस को, क्योंकि रिसीविंग डिवाइस ने ना सिर्फ उस डेटा को रिट्रीव करना होता है, ठीक है, और उसके बाद उसने ना उसको आगे फिर रिसीव करके आगे ट्रांसलेट भी करना होता है। तो उसके दरमियान उन्हें किसी रिदम की डिपेंडेंसी पर या डिले या टाइमिंग वगैरह पर इनसार नहीं करना पड़ता। ठीक है, सपोज़ हमारी एग्जांपल में एक डेटा स्ट्रीम्स में भेजा जा रहा है, ठीक है, यानी हमारा एक डेटा ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, यानी बिट्स एक बाइट भेजी जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बाइट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। ये एक एग्जांपल है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो देर आर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर नेक्स्ट एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रीम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्टॉप बिट भी लगी हुई है और एक स्टार्ट बिट भी लगी हुई है। ठीक है, डेटा की अभी आपने नहीं देखना कि स्टार्ट कहाँ लगी हुई है, स्टॉप कहाँ लगी हुई है, तो ये सिर्फ एक आपके एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डेटा उस साइड पर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसके शुरू और आखिर में कुछ बिट्स लगी हुई हैं, ठीक है, जो कि बताती है कि यहाँ से डेटा स्टार्ट होना है, यहाँ से ख़त्म होना है। तो हमारी एग्जाम्पल में 0 स्टार्ट बिट है और 1 हमारी स्टॉप बिट है। ठीक है, तो दीज बिट्स टेल रिसीवर दैट न्यू बाइट इज़ कमिंग थ्रू, यानी ये बताती हैं, ये बिट्स बताती हैं कि ये पुरानी बिट ख़त्म हो गई है, नई बिट स्टार्ट हो रही है, या जो नई बिट है वो भी ख़त्म हो रही है, उससे अगली बिट आ रही है। स्टार्ट बिट बताती है, यानी यहाँ हमारी एग्जांपल में 0 बताती है कि रिसीवर को नई बाइट अराइव हो रही है, और जब ये बाइट कंप्लीट हो जाती है तो ये बता देती है कि स्टॉप बिट बता देती है कि हाँ भाई आपकी बाइट यहाँ कंप्लीट हो गई है, तो आपके एक जो पैकेट ऑफ डेटा जो आया है या एक जो स्ट्रीम ऑफ डेटा है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका डिसएडवांटेज यह है कि साइज़ ओवरहेड, यानी इसका जो साइज़ का ओवरहेड है वो इसका डिसएडवांटेज है। जैसे कि 8 बिट की आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसकी 8 बिट की ये है, लेकिन इसके साथ 2 एक्स्ट्रा बिट्स हैं, यानी 0 और 1। ठीक है, ये तो एक इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। साइज ओवर एड ड्यू टू एक्स्ट्रा बिट्स एंड गैप बिटवीन ईच डेटा यूनिट विच मेक डेटा ट्रांसमिशन वेरी स्लो, यानी इन दोनों बिट्स जब एक कंप्लीट होती है उसके दरमियान एक गैप आता है कि वो बताते हैं कि पिछली बिट खत्म हो गई है, तो वो अगली को जब रिसीवर ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो भेज दी जाती है। तो ये इसके दरमियान छोटा सा गैप होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जब बिट्स ट्रांसफर बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफर होगा तो ये काफ़ी मैटर करता है। तो ये एक इसका साइज ओवर एड है, साइज़ का ओवर एड है। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसमिशन करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा टाइम में कम ट्रांसमिशन हो रही होती है। दूसरा, उसके दरमियान गैप्स हैं, तो गैप्स की वजह से उनके दरमियान एक इशू आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ कि हर डेटा यूनिट के दरमियान जो गैप होता है, यानी उनको हम आइडल गैप या स्टॉप बिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा बिट्स और इन गैप्स की वजह से हमारे जो डेटा यूनिट्स हैं उनकी डेटा ट्रांसमिशन बड़ी स्लो हो जाती है।
ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बता रहा था, लेकिन इसका एडवांटेज है हाउ एवर इट इज़ चीपर ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग मैकेनिज्म, यानी टाइमिंग मैकेनिज्म चूँकि नहीं है तो इस वजह से ये चीपर है, टाइमिंग की वजह ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये चीपर है। सो इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड टू कंप्यूटर, ये तो इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे कंप्यूटर से क्या कीबोर्ड है जिसके अंदर हम एक बार बार एक ही करेक्टर टाइप करते हैं तो वो बार बार जाता है, उसके दरमियान गैप होता है, छोटा सा गैप होता है लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, और टाइपिंग की जो स्पीड है बाकी डेटा ट्रांसमिशन की नस्बत बड़ी स्लो है, हम 120 वर्ड शायद 1 मिनट में करते हो लेकिन 120 GB शायद नॉर्मली ट्रांसमिट होती है, तो उसके दरमियान जो कीज़ हम करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी गैप होता है, हमें तो वो गैप कभी महसूस नहीं होता, टक 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 कम टाइप कर रहे होते हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आपको मैं ये थोड़ा सा फर्दर क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है, एक सेंडर है, एक रिसीवर को डेटा भेज रहा है, ठीक है, 8 बाइट्स हैं, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ डेटा है, ठीक है, यहाँ एक 8 बिट्स हैं सॉरी, तो 1 बाइट ऑफ डेटा है, ठीक है, उसके वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये हमने इस तरह से क्लियर कर दिया। तो सेंडर रिसीवर को डेटा भेज रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो हमारे डेटा की स्ट्रीम है उसके अंदर 8 तो बिट्स हैं लेकिन उसके साथ साथ दो हमारी जो इनको पैरिटी बिट्स कहते हैं या स्टार्ट और स्टॉप बिट होती हैं, आइडेंटिफिकेशन बिट्स होती हैं जो कि बताती हैं यहाँ से डेटा स्टार्ट होना है यहाँ से स्टॉप होना है, 0 स्टार्ट बिट है और 1 स्टॉप बिट है, तो ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों डिवाइस के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, इनको पता होता है कि भाई यहाँ से ये हमने जो बिट्स रखे हैं या जो हमारा सारा कुछ है ये इस तरीके से प्रोसेस होगा, तो उनके दरमियान गैप भी होता है, यानी उनके दरमियान डिले भी होता है, तो इन डेटा यूनिट्स के दरमियान डिले भी होता है। तो इसको हम कह लेते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर ना सिर्फ ये एक्स्ट्रा बिट्स की वजह से बिट्स जो हमारे स्ट्रीम है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बल्कि इन गैप्स की वजह से उनके दरमियान थोड़ा सा और डिले आ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन स्लो तो हो जाती है लेकिन उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनके दरमियान चूँकि टाइमिंग मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा होता तो इस वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन है वो चीपर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज सिंक्रोनस की समझ आई होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट डेटा टाइप यानी सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।